Hello everyone. Today I'm going to tell you about how to make an immunity boosting tea which we really needed. और ये टी मैं सारे घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाने वाली हूँ और कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं अपने गार्डन में से तोड़ने वाली हूँ जो मैं आज आपको बताऊँगी. मेरी चाय का पहला इंग्रेडिएंट है गिलोय. गिलोय एक बहुत ही कॉमन प्लांट है इंडियन कल्चर में, इंडियन एनवायरनमेंट में. और ये इसकी पत्तियाँ होती है, आप ऐसी कुल 3 पत्तियाँ लेंगे और ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, आराम से उग जाता है. और इसके फ़ायदे कई हैं, आप गूगल कर सकते हैं या मैं किसी और वीडियो में आपको कभी बताऊँगी, क्योंकि ये हर आयुर्वेदिक दवाई में ज़रूर डलता है. अगली चीज़ जो हम डालेंगे वो है ये पुदीना, देशी पुदीना. और मैंने ये अभी आपके सामने तोड़ा है, ये 2-4 पत्तियाँ गुच्छा इसका भी हम डालेंगे. ये बहुत ही फ़ायदा करता है गर्मी में भी, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है. और सारी बीमारियों की जड़ है हमारा स्टमक, गट जिसको कहते हैं, तो ये गट के लिए बहुत फ़ायदा करता है. पुदीने के बाद हम डालेंगे ये अमरूद है, तो ये अमरूद की 7-8 पत्तियाँ आप तोड़ लें, आप देख सकते हैं. और अमरूद बहुत फ़ायदा करता है, इसकी पत्तियों में कैल्शियम बूस्टिंग होता है, ये डाइजेस्टिव कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करता है और कई फ़ायदे होते हैं. अगर मैं बताने लगूंगी तो पूरा वीडियो इसी में लग जाएगा, तो ये आप ज़रूर डालेंगे उस चाय में. अगर आपके यहाँ नहीं है, आसपास कोई भी पेड़ हो, रोज़ 8-10 पत्ते तोड़ सकते हैं. और अब मैं डालने वाली हूँ मोरिंगा. ये एक मिरेकल प्लांट सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 17 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी होता है ऑरेंज से, नारंगी. और ये विटामिन सी सबसे ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. नॉट जस्ट विटामिन सी, इसमें और भी कई फ़ायदे होते हैं, इसीलिए इसको मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है. तो मोरिंगा लीव्स वैसे तो बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, बट ये इंडियन क्लाइमेट में, इंडियन गार्डन में बहुत ईजिली आपको अवेलेबल है एंड बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगता है इसका पौधा. तो ये कुल इतनी हमने 2 डंडी तोड़ी है और ये डालेंगे. और जब सीजन नहीं हो तो आप इनको ड्राई करके रख सकते हैं और इसका पाउडर डाल दीजिए. और अब हमारा 5th इंग्रेडिएंट है ये घास, दूर्वा जिसको बोलते हैं, पूजा में भी रखा जाता है. और ये कहानी है कि महाराणा प्रताप ने सारी जंग लड़ी थी इसी की रोटी बना के. तो मैंने अपने लॉन में से ये भी रोज में तोड़ती हूँ. तो ये हो गए मेरे 5 इंग्रेडिएंट्स मेरे गार्डन में से, ये मोरिंगा, गिलोय, घास, अमरूद की पत्तियाँ और ये पुदीना. चलिए अब हम बताते हैं इसको कैसे ब्रू करेंगे. तो अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने पत्तियाँ सारी तोड़ी थी, मैंने इनको वॉश कर लिया है. तो सबसे पहले हम ये पानी इसमें डालेंगे, बॉयल करेंगे. और ये कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सौंफ पिसी हुई, अजवाइन, सिनेमन पाउडर, अदरक, तुलसी. और ये 5 चीज़ें क्या थी, मोरिंगा, घास, अमरूद की पत्तियाँ, गिलोय एंड पुदीना. इन सबको मैं काट के इसमें डाल दूंगी और ये सारी चीज़ें भी डाल दूंगी. दिस इज़ माई हर्बल टी एंड मैं इसको थोड़ी देर सीप करने देती हूँ, थोड़ी देर रहता है इसमें ताकि सारा उसका फ़ायदा पानी में, चाय में ब्रू हो जाए. एंड देन यू कैन पोर इट इन द, एंड दिस इज़ द गोल्डन कलर. आप चाहें तो इसमें टर्मरिक भी ऐड कर सकते हैं, बट आई ऐड टर्मरिक इन अदर थिंग्स. सो दिस इज़ इट, द गोल्डन इम्यूनिटी बूस्टिंग टी. And enjoy it. Please have it. Immunity is the most precious thing we can have these days.